हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो नऊ दे बेच है क्लास एट का, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम कर रहे थे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हम लोग चैप्टर वन के सॉल्यूशंस के दो लेक्चर पहले से अपलोड कर चुके हैं आप लोगों के लिए। एक से लेकर सेवन क्वेश्चंस तक के वीडियोज हमने डाल दिए हैं आपके लिए, ठीक है। आप पहले उनको जाके देख सकते हैं, उससे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट वीडियोज को जाके देखिए, उसके बाद में आप लोग ये वाला वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। इस लेक्चर में हम लोग एट से लेके इलेवन तक के जो क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो एट नंबर का क्वेश्चन है वो है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नोट। हमें ये बोला है कि ये बताना है कि क्या 8/9 जो है वो इस वाले नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअल में होता क्या है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक नंबर है रैशनल नंबर ए बाई बी, अगर इस नंबर को बी बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे को रिजल्ट कितना मिलेगा, 1, क्योंकि b से b डिवाइड हो जाएगा, a से 1 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो b बाई ए है ये क्या कहलाएगा, a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको बोला गया है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है चेक करना है। अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखें, अगर रिजल्ट 1 मिल जाता है तो हम बोल देंगे कि है, अदरवाइज नहीं है। तो हम इसको करके देखते हैं। तो देखो, देयरफॉर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो 8/9 और -1/8, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, 8 प्लस 9 माइनस का 9/8 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 8 से 8 डिवाइड हो गया 9 से 9, यानी रिजल्ट कितना आ रहा, -1। और आना कितना चाहिए था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए, 1 आना चाहिए था। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये रिजल्ट 1 आना चाहिए था लेकिन -1 आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो 8/9 है वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इसमें भी यही चेक करना है कि 0/3 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है 3 एंड 1/3 का। तो वही चेक करके देखते हैं। तो ये वाली चीज़ मैं बार बार नहीं लिख रहा, तो हमें चेक करना है। तो देयरफॉर करके डायरेक्ट मैं आगे सोल्व करता हूँ। देयरफॉर 0.3 और 3 एंड 1/3 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, मतलब ये जो दिया हुआ है ये इस वाले नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले इसको सोल्व करें तो पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना लग जाएगा, 1 0 लग जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 9 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10/3। आई होप ये चीज़ आप लोगों को करना आती होगी कि इस इम्प्रॉपर को मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, उसमें ये ऐड करेंगे, 1 10 हो गया, 10/3। अब देखो, यहाँ पे 10 से 10 डिवाइड हो गया, 3 से 3 डिवाइड हो गया, फाइनल रिजल्ट कितना आया, 1। तो हम बोलेंगे यस, हमारा रिजल्ट क्या है, यानी कि यस, हाँ, 0.3 इज ए मल्टीप्लिकेटिव, इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमारा जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। हमारे को क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें फिल इन द ब्लैंक में जो भी पूछा उसका आंसर राइट करना है, लिखना है, ठीक है। क्या बोला है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। हमने जब एक कॉन्सेप्ट वीडियोज पढ़े थे वहाँ पे मैंने बताया था कि एक 0 ऐसा रैशनल नंबर है, जैसे 0 है तो इसका 0 के नीचे 1 लगा लो, तो जब इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/0। मैंने बताया था 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। जब कोई नंबर नॉट डिफाइंड होता है तो उसका हम रेसिप्रोकल फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। तो 0 ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है या उसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब एट द रैशनल नंबर दैट हैव इक्वल टू दियर रैशनल नंबर रेसिप्रोकल, तो ऐसा कोई रैशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल भी उसी के इक्वल हो। तो जैसे यहाँ पे 1 लिया मैंने, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 को 1/1 लिख दो, तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो वो भी कितना आ रहा है, 1/1। ऐसे माइनस का 1 लो तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये आएगा 1/-1, जो कि आगे सोल्व करने पे -1 ही बन जाता है। मतलब 1 और -1 ऐसे दो नंबर्स है जिनका रेसिप्रोकल उन्हीं के इक्वल होता है। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तीसरा क्वेश्चन है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिस रैशनल नंबर का पॉजिटिव
और नेगेटिव दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो जैसे अगर मैं दो एग्जांपल से समझाऊं, एक लिया 1/2, इसका नेगेटिव क्या होगा -1/2, ये कभी जीरो, ये आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है। और कोई सा भी लेके देखो, लेकिन जीरो ऐसा है, जीरो का पॉजिटिव करो या फिर जीरो के आगे माइनस लगाओ, दोनों हमेशा बराबर ही रहेंगे। तो जीरो ऐसा रास्ता नंबर है जिसका नेगेटिव करोगे तो वो भी किसके इक्वल होगा, उसी नंबर यानी जीरो के ही इक्वल होगा। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसी के साथ हमारी फिर ये एक्सरसाइज पूरी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उनका यूज करके, उनका अप्लाई करके, या उनको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग, याद करने के बेसिस पे भी इनको फिल कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, जीरो हैज ब्लैंक, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो हमें पता है अभी लास्ट स्लाइड पे ही हमने देखा है कि जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। क्यों नहीं होता, क्योंकि जीरो के नीचे वन लगाओगे, इसका जब रेसिप्रोकल करोगे, मैं साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/0, विच इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो देखो आगे क्या है, द नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ये भी हमने लास्ट स्लाइड पे देखा है कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो खुद का ही रेसिप्रोकल होता है, तो हमने देखा 1 और -1 ऐसे नंबर से जो खुद के ही क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। आई होप ये चीज भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। फिर आता है रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो -5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-5। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान है। आगे द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल 0, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x/1, जिसको हम ओनली क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 होगा, उसको हम हटा सकते हैं। फिर आगे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो ऑलवेज ए रैशनल नंबर। ये हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी रैशनल नंबर्स के लिए, कि दो रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन करोगे तो वो भी क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। मतलब ये किस प्रॉपर्टी के अंडर में है, सारी चीज़ें क्लोजर प्रॉपर्टी के द्वारा हम बोल सकते हैं कि भाई ये उसका जो प्रोडक्ट होगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। इसके साथ ही द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। कोई रेशनल नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका जब रेसिप्रोकल निकालोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप वहाँ पे नोट कर सकते हो। इसी के साथ हमारी 1.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी की जो भी एक्सरसाइज बची हुई है उनको भी सोल्व करेंगे। साथ ही आगे के कुछ लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को RS अग्रवाल जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक कहलाती है, उसके भी आप लोगों को सॉल्यूशन अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही अभी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट वीडियो और भी बचे हुए हैं, उनको भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।